हो चुकी है? जो भी इसका जवाब देगा, नीचे वाले में बात है बता दी, ऊपर वाले जो भी इसका सही जवाब देगा उसको मिलेंगी क्या? शाबाशी। ऊपर वाले में आठ, इसे डबल बॉन्ड है ना, सही पकड़े हैं। हाँ? चलिए इसमें देखते हैं, ऊपर वाले साथ यहाँ पर देखिए कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये रहा हमारे पास, तो एक दो तीन चार, चार है यहाँ पर, तो इस तरफ तो कुछ आएगा नहीं, यहाँ पर कितना सी एच थ्री और यहाँ पे भी है सी एच थ्री, तो तीन इधर से, तीन इधर से, तो टोटल हो गए सिक्स हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। आठ बता रहे थे, इसमें देख लेते हैं भाई, वन टू थ्री यहाँ पर हाइड्रोजन है, वन टू थ्री यहाँ पर तो जरूरत है ही नहीं, यहाँ पे आ जाते हैं वन एंड टू, पर यहाँ से आ जाते हैं वन टू थ्री, एक यहाँ पे, तो वन टू थ्री बीच में कहाँ से ऐड करोगे, यहाँ पे तो पॉजिटिव है, यहाँ पे तो पॉजिटिव है, और मैंने आपको कहा था जहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसके साइड वाला कार्बन देखना है उसके पास कितने हाइड्रोजन है, समझे या नहीं समझे? इसके बिल्कुल साइड में ये एक है, तो वन यहाँ से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, एक बार निकालोगे यहाँ पे और एक बार निकालोगे तब भी यहाँ पे, तो दो तो यहाँ से और एक ये तीन और एक यहाँ से चार, तो कितने हो गए फोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। नहीं समझे? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वो किसी भी जैसे कार्बोकैटाइन बन सकता है, वहाँ पे उसके बगल वाले आपको कार्बन को चेक करना है, उसके साथ में हमने देखा ये कार्बन है, इस कार्बन ने तीन बॉन्ड पहले ही बना रखे थे वन टू थ्री, तो पक्का एक हाइड्रोजन होगा, हमने उस हाइड्रोजन को लगाया यहाँ पे, फिर हमने देखा कि इसके साइड में कितने हैं, यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन के ने दो बॉन्ड बना रखे थे, दो हाइड्रोजन होंगे, तो दो यहाँ से। अब हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कहता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देंगे, तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करना ही क्या कहलाता था हमारे पास, हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता था। तो फिर इसी प्रकार से एक बार यहाँ से निकालोगे तब डबल बॉन्ड बनेगा सेम एज इट इज, तो दो बार तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पर कितना बन सकता है एक बार, और ऊपर भी यहाँ पर भी कितना एक बार, क्योंकि इसके बगल में ये कार्बन था, इस कार्बन के साथ तीन बॉन्ड थे एक हाइड्रोजन था। आपको बस ये चेक करना है कि जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है उसके साइड में कार्बन जो है हमारे पास, जहाँ पर पॉजिटिव है उसके साइड में जो कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन कितने, हो जाएगा कोई डाउट? तो इंडक्टिव हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, नेक्स्ट अपने पास रेजोनेंस, रेजोनेंस भाई ना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसके बगैर एरोमेटिक रिएक्शन नहीं होंगी। सारा ही इंपॉर्टेंट चलेगा भाई, सारा ही, ठीक है। रेजोनेंस जो अपने पास होती है कंडीशन, उसकी अगर आप बात करोगे तो कैसे आप इसको देख पाओगे, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट काम करता था, जैसे इलेक्ट्रोमेरिक काम करता था, सेम एज इट इज ये भी है। इसमें क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन का मतलब है अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा बट रहेगा उतना ही। कैसे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड,
पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होना। क्यों होगा, कैसे होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे, बट फिलहाल ये कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। एक बार देखिए कि मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, इसको क्या नाम दोगे, साइक्लोहेक्सेन। और अगर बेटा जी मैंने इसके अंदर लगा दिया ये वाली कंडीशन तो बन गई बेंजीन। क्या बन गई, बेंजीन। अगर इसी बेंजीन की अगर मैं बात करता हूँ, मैंने ऊपर अगर यहाँ पर लगा दिया CH3 ग्रुप पे, तो क्या बन गया, टोलिन। क्या बन गया, टोलिन बन गया। अब इस बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होगा इन तीनों का, नाम है इसका जैसे बेंजीन है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो बीच बीच में ये वर्ड आ रहे हैं इनको याद कर लेना, ठीक है। अब क्या होगा, CH3 आपके पास, ध्यान देना बेटा, ये जो CH3 है ये एक डोनेटिंग है, डोनेटर है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन को देगा। अब थोड़ा सा ना समझने के लिए ऐसा मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रोमेरिक की तरह काम कर रहा है, तो मैं अगर इतने से पार्ट को लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूँ CH3 सी डबल बॉन्ड सी, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इतने पार्ट को, ऊपर वाले को इतने को लिख सकता है यानी। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2, तो यहाँ पर 1 2 3 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर CH2 आएगा। मान लीजिए कि ये नीचे वाला पार्ट ना हो इतना, तो ये होगा। इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जब काम करता था तो क्या होता था, ये बॉन्ड टूट के आगे जाता था, तो क्या कंडीशन आती थी, CH3 CH पॉजिटिव CH2 नेगेटिव, यही कंडीशन आती थी। तो बेटा यहाँ पर वही काम करना है रेजोनेंस, बट काम इसी तरह से करना है। कैसे, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर किया इस कार्बन की तरफ, जिसकी वजह से यह बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूट के अगले कार्बन पे आ गया, किस पे, इस कार्बन पे। और पिछले वाले कार्बन पे कैसा बच जाता है, पॉजिटिव, और अगले पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो अगली स्ट्रक्चर बनाइए, ये डबल हेडेड एरो रखना अपनों हमेशा ही, ये वाला वो, इस तरफ भी एरो और इस तरफ भी, ये समझ गए। इसके पीछे रीजन है क्यों है, क्योंकि जो अगली स्ट्रक्चर बनेगी वो वापिस इसमें चेंज हो सकती है, ठीक है, वो इसमें चेंज हो सकती है। देखना जरा, यहां से बेटा हमने ये काम किया, ठीक है, देखिए इनको तो नहीं छेड़ा, इनको हमने कोई भी इनके साथ कोई भी हरकत नहीं की ना, तो ठीक है, इसको यहां पर रखते हैं, इसको यहां पर रखते हैं। इसके साथ क्या हुआ है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इस पे कैसा चार्ज, नेगेटिव लिख लूं, और यहां पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, CH3 एज इट इज। क्या ये बात समझ में आई, समझ या नहीं समझे भाई। अगली स्ट्रक्चर में देखिए, प्रैक्टिस मांगेगी ये चीज भाई, ध्यान देना, प्रैक्टिस मांगेगी, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा काम करोगे। या तो आप ये दिखाइए कि ये नेगेटिव अंदर जा रहा, ध्यान देना बेटा, देखो मैं इसको एरो को ना सेंटर में लेके जा रहा हूं। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ना, या तो इस कॉर्नर से लगा देंगे इस एरो को स्टार्ट करके यहां पे, या फिर इसको ब्रेक करेंगे तो यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां पे ले आएंगे, समझ में आई बात। तोड़ना डबल बॉन्ड वाली जगह को ही है, समझ में आई बात है। ये नहीं कि आप यहां से एरो लगा दोगे आगे की तरफ तो सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा। जहां पर ये एरो लग गया इसका मतलब ये कि यहां से कोई चीज आगे की तरफ ट्रांसफर हो रही है, फिर बॉन्ड टूट रहा है, यही चीज ना, बॉन्ड ब्रेक करना हमने सीखा था। चलो ठीक है, हाँ देखिए अभी दिखाते हैं। ये नेगेटिव अंदर चला गया तो यहाँ पर बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। ध्यान रखना, दो डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकते कभी भी, दो डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए ये बॉन्ड टूट के ए अगले कार्बन पे, देखो मैं कार्बन पे लेके आ रहा हूं, ध्यान देना, ये चला जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बने, ये तो नहीं, उसके साथ तो कुछ भी दिक्कत नहीं हुई अभी तक, वो तो उससे दूर है, हाँ इसको देखते हैं। यहाँ पर तो डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर कैसा चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव। अब कहोगे सर पीछे पॉजिटिव आना चाहिए था, आप कहोगे ना यही बात है कि सर आपने ये कहा कि आप पे पीछे पॉजिटिव आना चाहिए था, मैं अभी बताऊंगा वो क्यों नहीं आया। यहाँ पर वही एज इट इज, यहाँ पर क्या है CH3 और यहाँ पर क्या है पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आई, हो जाएगा या नहीं, चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये बोलोगे सर यहाँ पर तो पॉजिटिव आना चाहिए था,
अब एक छोटा सा सोच के देखना बेटा, अगर मैं इसको एरो नहीं लगाता तो क्या होता? अगर मैं एरो नहीं लगाता तो मेरे पास यहाँ पर CH3 और पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और अगर इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करता, ध्यान देना एक बार, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करता तो मेरे पास यहाँ पर आप नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? एडजेसेंट कार्बन के ऊपर दो सेम चार्ज एग्जिस्ट नहीं करते, समझ में आई बात? रिपेल करेंगे वही, एग्जिस्ट करेंगे नहीं। तो यहाँ पर पॉजिटिव मान लिया, यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना देंगे? बॉन्ड। तो यहाँ पर बॉन्ड बन गया, इसको खत्म कर दिया। क्या यही कंडीशन नहीं है? कंडीशन तो वही है, बट यहाँ पर आपने एरो के साथ दिखा दिया, मीन्स साथ के साथ जब ये अंदर आया तो यहाँ से जो पॉजिटिव क्रिएट हो रहा था, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना गए, तो इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव पहुँचा। बस समझे या नहीं समझे? अगली स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये नेगेटिव बेटा अंदर जाएगा तो ये बॉन्ड टूट के अगले कार्बन पे चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ से अगली स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? यहाँ पर तो हो गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो गया? CH3, और यहाँ पर पॉजिटिव था ही। अगले स्ट्रक्चर में बेटा देखिए ध्यान से, नेगेटिव और पॉजिटिव बन गए, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, डबल सिंगल डबल CH3। क्या ये बात समझ में आई? अब ध्यान देना बेटा, ये स्ट्रक्चर मेरी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? यहां पर जो बॉन्ड था वो आगे शिफ्ट हो गया, यह वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होकर ये यहां पर हो गया, मींस डीलोकलाइजेशन हो गया बॉन्ड का। कौन से का? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड अपनी जगह से शिफ्ट हो गया, तो यहां पर आप शिफ्टिंग बोल सकते हो या फिर डीलोकलाइजेशन बोल सकते हो कि बॉन्ड का क्या हो रहा है, अपनी जगह से दूसरी जगह है, तो उतना ही काम। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये तो पहली स्ट्रक्चर और ये आखिरी है, ये बीच की स्ट्रक्चर है, कोई भी बन सकती है। हाँ फिर उसकी वही तो, अब एक बात बताओ कि कोई काम चल रहा है, काम चल रहा है तो बीच का हमारे को थोड़ी ना पता, वो तो चल रहा है, हम क्या चीज देख पाते हैं? स्टार्टिंग का और आखिरी चीजें देख पाते हैं, तो इसी प्रकार से ये चीज हमारे को पता है, नहीं समझे? अच्छा दूसरी गलती हम क्या करते हैं, जो ये CH3 ग्रुप है या फिर कोई और भी ग्रुप लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं CH3। भाई इसका और इसका क्या लिंक? ये जो कार्बन है ना, ये इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, इसके ऊपर आना चाहिए भाई, समझ में आई बात? कर रखिए ना गलती, यही गलती नहीं करनी, बस अब भी गलती है। मैंने कहा कार्बन के साथ जुड़ा है, किसके साथ है? कार्बन के साथ। क्या ये बात समझ में आई बेटा? रेजोनेंस में टोटल स्ट्रक्चर बनती है पांच, कितनी? पांच। इसमें पांच स्ट्रक्चर बनी हुई, यानी समझे या नहीं समझे? कितनी बनती है टोटल? पांच स्ट्रक्चर बनती है, हो जाएगा? नहीं समझे? ठीक है, तो ये आपको पढ़ना भाई। तो ये था जब आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने वाला तो इस तरह से ब्रेक करेगा। बाई चांस ये भी हो सकता था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन डालता हूं इसमें, कि बॉन्ड आपके इस तरफ मिल जाते तो क्या होता? कुछ भी फर्क नहीं, यहां से ये इधर है, समझ में आई बात? इधर से इधर इधर चल पड़ता, तो बात तो वही है, बस आपको ये ध्यान देना है कि बॉन्ड कौन सा ब्रेक। अब कई सारे बच्चे क्या करेंगे, गलती क्या करते हैं, क्योंकि मैं हर बार देखता हूँ, हर बार नोटबुक चेक करता हूँ तो गलतियाँ मिलती हैं, कि यहाँ से ये करके यहीं से एरो लगा देते हैं आगे। अरे भाई सिंगल बॉन्ड को तोड़ दिया तो इसके बीच का बॉन्ड ही खत्म हो गया, समझ में आई बात है? तो रिंग ही खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि आपको बॉन्ड वहाँ से ब्रेक करना, जो पाई बॉन्ड हो उसको शिफ्ट करवा रहे आप, नहीं समझे? हो जाएगा? तो दूसरी गलती ये करते हैं, बताऊँगा उस पर आएंगे। अब ये तो रही कंडीशन इस चीज़ की, कि आप इसको कैसे समझ पा रहे हो। एक और कंडीशन हो सकती है, जब आपके पास लोन पेयर हो, क्या हो?
लोन पे रहो, तब कैसी कंडीशन आएगी कि आपको कैसे पता लगेगा ये डोनेट करेगा विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो एक तो आप वो जो हमने ग्रुप लिखवाए थे वहां से आप पता कर सकते हो कि ये डोनेट करेगा या विड्रॉ करेगा, लिखवा देना इंडक्टिव में, वो भी काम कर दे। अगर बाई चांस किसी को नहीं याद हो तो कैसे आप उसको फाइंड आउट करोगे? बट आप क्या चीज देखोगे कि ये जो कार्बन है इसके बिल्कुल जस्ट साथ में कौन सी चीज जुड़ी हुई है, कौन सा एलिमेंट जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा एलिमेंट है जिसके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर अपने पास रखेगा ही क्यों, वो डोनेट करेगा। और अगर नहीं है या फिर उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वाला होगा तभी तो खींचेगा, या फिर उसके पास लोन पेयर होगा तो डोनेट कर देगा। तो इसी प्रकार से हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, फिनोल की तरफ। ये कंडीशन अपने पास फिनोल की OH, क्या ये बात समझ में है भाई, ये फिनोल है, नहीं समझे? अब बेटा ध्यान दिया जाए तो आप देखोगे, सर मैं मानता हूं कि आप कहोगे सर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन तो अपनी तरफ खींचेगा, माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। बट आप उससे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दोगे, आप चेक करोगे कि लोन पेयर है या नहीं इसके पास। तो आपने देखा कि सर इसके पास तो लोन पेयर भी है, वैसे दो दो हैं बट काम एक से ही होगा। ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर को आगे की डायरेक्शन में डोनेट करवा देगा। अब बेटा आपको पता है कि दो इलेक्ट्रॉन से ही एक बॉन्ड बनता है, और इसने तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आगे दे दिए, तो इसका मतलब ये तो कंप्लीट बॉन्ड बनाने जा रहा है। तो मान लेते हैं, तो यहां से क्या बना, ये था बॉन्ड, यहां पे ऑक्सीजन था या हाइड्रोजन था, यहां पे डबल बॉन्ड बन गया। अब बेटा दो डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकते, यह बात आपको ही पता है, इसलिए आप क्या करोगे साथ के साथ जब यहां पर बॉन्ड बना रहे हो, क्योंकि पांच बॉन्ड ये बनाएगा नहीं कार्बन, यहां पर चार थे, एक दो तीन चार, पांचवा बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए साथ के साथ इस बॉन्ड को तोड़ के अगले कार्बन पे भेज देगा। कुछ बात समझ पा रहे हो? नहीं समझे, ठीक है। तो जब ये यहां पर भेज देगा तो बेटा यहां पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहे सर इसका पॉजिटिव कहां आ गया, वो तो पीछे था और जिसकी वजह से यहां पर बॉन्ड बना हुआ है। अब आपको ध्यान है कि जब मैंने आपको कई बार बताया था जब कोई अपना लोन पेयर को डोनेट करता है तो खुद के ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आता है, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब क्या होगा, इनके साथ तो हमने कोई भी दिक्कत नहीं की ना, तो ये तो एज इट इज है, इनको हमने एज इट इज रखा यहीं पे। कौन से वाले बेटा, नहीं इस पे क्यों नेगेटिव आएगा, नहीं वो तो न्यूट्रल हो गया भाई, इसका चार्ज आगे गया तभी तो बॉन्ड बना हुआ। देखो क्या कहना चाहता है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डीपली थोड़ा दिमाग लगाना। बाय चांस मान लीजिए मेरे पास यही कंडीशन है और मैं इतने को ही दिखा रहा हूं, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बेटा, और यहां से क्या ओ और एच। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं देखा, तो यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव हो गया, तो इसका लोन पेयर था, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो तब तो इसकी पूर्ति पूर्ति होगी ना, जितना इलेक्ट्रॉन खाली होया है, क्योंकि यहां पर स्टार्टिंग में जब आप डबल बॉन्ड दिखा रहे तो CH तो होगा ही होगा और यहां पर CH2 होगा। अब इसके पास कितने की कमी है, एक की कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास चला जाए तो ये इसका तो क्या होगा, पूर्ति पूर्ति हुई, ये तो कंप्लीट हो गया। अब एक और एक मिल के क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, समझ में आई बात। बट इस भाई साहब के तो चले गया एक, तो चला गया ना एक, गया तो एक पॉजिटिव आ गया इसके ऊपर, नहीं समझे, इसका तो गया ना, इसने तो अपना भाईचारे में डोनेट कर दिया ऑक्सीजन को, इसको कार्बन को, तो उसके पास चला गया तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑब्वियसली कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो हमने साथ के साथ दिखा दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल बनाने के लिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए, बट इसका तो गया ना कार्बन के पास, इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगले स्ट्रक्चर में क्या हुआ, ये अंदर जाएगा बेटा तो ये बॉन्ड टूट के कार्बन के ऊपर, तो अगले स्ट्रक्चर यहां पर नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। हो गया। अगले में क्या होगा, ये अंदर जाएगा तो ये बॉन्ड टूट के अगले कार्बन पे, यहां पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव,
यहाँ पर डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। अब देखना बेटा, अगर ये अंदर बॉन्ड बनाएगा तो दो डबल बॉन्ड एक साथ नहीं, इसीलिए बॉन्ड टूट के वापिस ऊपर, तो उसको न्यूट्रल कर दिया, वापिस क्या बना, डबल सिंगल डबल और यहाँ पर OH। देखना इसमें भी पांच ही स्ट्रक्चर बनी है। बनाया यार वो तो मैंने नीचे कहाँ कर दिया, हाँ तो नीचे कहाँ आ गया, यहाँ पर था, ये कहाँ से बना था, यहाँ से बना था, ये अंदर गया तभी तो बना था, तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव रहा, ये अंदर की तरफ बॉन्ड बनाएगा अगले स्ट्रक्चर में, तो बना रखी इसने, तो साथ ही साथ ये टूट के आगे चला गया, तो ये पहुँच गया, ये अंदर जाएगा तो ये बॉन्ड टूट के ऊपर, नहीं समझे? तो ये था जब आपके पास लोन पेयर होगा तब कैसे काम करेगा। अब हम बात करते हैं कि विड्रॉइंग डेंसिटी होगी तब कैसे काम करेगा, समझ में आई बात? अगर कोई खींचने वाला मिल गया तो कैसे काम चलेगा, मिटा दे। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कैसे काम चलेगा भाई, देखिए बेटा, जिसको ये आ गई ना, ये रिंग घुमानी आ गई, ये लगा लो, बहुत कुछ आ गया उसको, सारा का सारा ये लगा लो, एरोमेटिक जितने भी कंपाउंड आएंगे ना, चाहे आप अल्कोहल की बात करो, कहीं पे आएगी ऐसे फिनोल भी, सॉरी अल्कोहल में नहीं, फिनोल में आएगा, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास जो भी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, चाहे आप रायल एलाइड की बात कर लो, वहाँ पर आएंगे कंडीशंस, तो वो केमिस्ट्री वही सीख, बच्चा सीख पाएगा जिसको ये रिंग ऐसे ऐसे घुमानी आती है, और बहुत आसान सी, एक बार दिमाग में घुसाना है यहाँ पे ये चीज़ है, और एक बार प्रैक्टिस की, घर पे जाके दोबारा से बिना देखे प्रैक्टिस करना, फिर ये फाइंड आउट करना कि हमने क्या गलती की है, और एक बार समझ में आया तो आ ही जाएगा। मान लीजिए बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सॉरी विड्रॉइंग ग्रुप, मैंने CN लिख दिया। अब आपको कैसे पता लगेगा सर ये CN डोनेटिंग है विड्रॉइंग है, आपके माइंड में आइडिया, चलो हम चेक करते हैं। हमने इस कार्बन को देखा, उसके आगे सेम कार्बन था, ये तो कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा। फिर आप नेक्स्ट वाले के पास आपने देखा, नेक्स्ट वाला उसके पास तो कार्बन है बट उसके पास तो नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन कैसा, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब अपनी तरफ खींचेगा चीज़ों को। तो हमने लिखा कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन के बीच में, तो यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड को अपनी डायरेक्शन में खींच लेगा भाई, खींचेगा तो अपने पास क्या कंडीशन आएगी ज़रा देखना, तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन नेगेटिव पॉजिटिव, ये कंडीशन आने वाली है, यही है। अभी बताऊंगा कि कैसे, अब ये आ गई बट ये ऊपर खींच रहा, तो ये भी तो बॉन्ड ऊपर खींच रहा होगा, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा तो ये भी ऊपर जा रहे होंगे, तो ये वाला आप या तो इस कार्बन पे दिखा लो भाई, इस पे दिखाओगे तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बना देंगे, बॉन्ड बना लेंगे, या फिर आप इसको यहाँ से ब्रेक करके इस कार्बन पे ले आओ तब भी कोई बात नहीं है, ये आपकी मर्जी है। तो आपने यहाँ पर दिखा लिया, तो यहाँ पर क्या बन गया बेटा, डबल बॉन्ड, इसको हटा दूँ अब, तो यहाँ पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, ना 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 ऊपर की तरफ गया है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, समझे नहीं समझे? फिर यहाँ से क्या हुआ अगले स्ट्रक्चर में, देखो उसमें दो एरो चलते एक साथ, डोनेटिंग वाले में, विड्रॉइंग वाले में एक ही चलेगा, ये यहाँ से इस तरफ आ गया इस कार्बन पे, तो क्या स्ट्रक्चर बनी, यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, बना देते हैं, ये हो गया। यहाँ पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव आ गया ना, ये हो गया, और डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन नेगेटिव हो गया भाई। अब क्या होगा, ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या स्ट्रक्चर बनी, ये बॉन्ड यहां पे बन गया, ये यहां पे था, यहां पे पॉजिटिव आ गया, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन नेगेटिव। अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, इस नेगेटिव को वापस यहां पे उतार दो ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए, और इसको वापस इसी कार्बन पे ले आओ, तो क्या बना, यहाँ पे बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N, यहीं से शुरुआत की थी, यहीं पे ख़त्म कर दिया, यही तो था, नहीं समझे?
तो विड्रॉइंग में कहाँ कहाँ पर पहुँचा हमारे पास, इस तरह से पहुँच गया भाई। आखिरी और इम्पोर्टेंट बात इसमें, ओए आराम से भाई, आराम से आराम से। मैंने आपको ये बोला चेयर ले लो, अभी बताऊंगा वही फायदा, तो आखिरी में बताना ना मुझे। अब स्टार्टिंग में बता देता तो आप बोलते कि सर यही याद कर लेते हैं, अब इसका फायदा बताऊंगा क्यों है। हाँ बस यही होता, बस इसी चीज को तो डिलोकलाइजेशन बोलते हैं। जल्दी से उतारिए भाई, पहले ये देखिए फिर उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मिट्टी सलाम है। अरे एक बार ये देखिए, चलो देखो आपस में डिस्कस करना भाई इसको। अब बेटा एक चीज ध्यान दिया आपने, नोटिस किया जब आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो कुछ बदलाव आए, और जब डोनेटिंग लगाया तो कुछ आए। जब आपने यहाँ पर डोनेटर लगा रखा था तो देखिए नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ क्रिएट हुआ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, देखो यहाँ पर आ गया, एक ही यहाँ पे आ गया, एक ही यहाँ पे आ गया, तीन ही जगह। बट जब आपने विड्रॉइंग लगाया तो नेगेटिव कहाँ कहाँ पर आया है, एन पे भी आया। एन वाले को छोड़ो, इस रिंग के ऊपर बताइए, इस रिंग के ऊपर नेगेटिव या तो यहाँ पर क्रिएट हो रहा था बट वो तो न्यूट्रल हो गया था ये बॉन्ड बनते ही, यहाँ पर क्रिएट हो रहा है और इससे पहले कहां पर, कहीं पे भी नहीं हो रहा, यहाँ पे तो पॉजिटिव आ रहा है और यहां से चल रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट हो रहा है, पर वो साथ के साथ यूज में आ रहा है बट नेगेटिव तो आ रहा था। तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो ना आप, तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कौन सी जगह आ रहा है बेटा, फंक्शनल ग्रुप से, जहां पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है उससे नेक्स्ट पोजिशन को ऑर्थो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्थो, इसको मेटा, ठीक है, और ये होती है पैरा, समझ में आई बात, ऑर्थो मेटा एंड पैरा, सेम एज इट इज इस तरफ से भी ऑर्थो मेटा एंड पैरा। तो जब आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया था, नेगेटिव ग्रुप लगाया था, तो नेगेटिव चार्ज कहां पर क्रिएट हुआ, नेगेटिव क्रिएट ऑन मेटा, कौन से पे, मेटा पे। और जब आपने पॉजिटिव ग्रुप लगाए मीन्स डोनेटिंग ग्रुप लगाए तो नेगेटिव क्रिएट कहां पर हो रहा है, क्रिएट एट ऑर्थो एंड पैरा, समझे या नहीं समझे। इसीलिए जो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं बेटा उसको बोला जाता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, क्या बोला जाता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, और जबकि जो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं उसको बोला जाता है मेटा डायरेक्टिंग, क्या बोलते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। वर्ड आएगा 12th क्लास के अंदर, 11th में बहुत कम जगह इसका यूज सुनने को मिलेगा, बट वर्ड आएगा कि दीज आर दी ऑर्थो डायरेक्टिंग एंड दीज आर दी मेटा डायरेक्टिंग या फिर पैरा डायरेक्टिंग। तो आपके माइंड में एकदम क्वेश्चन आना चाहिए कि इसका मतलब कि यहां पर नेगेटिव चार्ज को क्रिएट करवा रहा है, समझे नहीं समझे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। इस नोटबुक को आपको संभाल के रखना भाई, 12th क्लास के अंदर एक बार पढ़ने से पहले आप जो भी यूनिट स्टार्ट करोगे उससे पहले यही चीजें फिर से आपके काम आएंगी, हो जाएगा। आपको ट्राई क्या करना, क्वेश्चंस मैं आपके लिए दे देता हूं भाई, यहां पर NO2 ग्रुप C2H5 यहां पर हो गया आपके पास CN, ठीक है, NH2 ग्रुप, ये बेटा चार स्ट्रक्चर की आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना के लाओगे। हाँ मुझे भी पता है, समझ में आई बात, ये आपको करना भाई, ये वर्ड ध्यान रखना।